तो सातवां पूरा पढ़ाए हैं और पंद्रहवां भी पूरा पढ़ाए हैं। अब टेस्ट लीजिए किससे शुरू होगा शाम का। हमने एक कहानी सुनी, गुरुजी आए तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया, तो सभी शिष्य तो उसमें से प्रश्न करते रहते थे, पूछते रहते थे। एक शिष्य था, वो कभी नहीं पूछा, कोई प्रश्न किया ही नहीं, तो गुरु बहुत खुश थे कि बाकी लोग को कम समझ में आती इसलिए पूछते हैं और इसने कभी प्रश्न नहीं किया, ये सबसे ज्यादा समझदार शिष्य मेरा, कभी प्रश्न नहीं किया, जो कहते समझ लेता सारा। तो जब समावर्तन संस्कार करने लगे 12 वर्ष बाद, विदा करने लगे आश्रम से शिष्यों को, तो कहा भाई अब तुम लोग अपनी अपनी परीक्षा दो। तो परीक्षा क्या देना है, सबने तो अपनी अपनी बात कही, कहा सबसे तो मैं वैसे संतुष्ट हूँ, तुम लोगों को जानता हूँ, और ये मेरा शिष्य जो है ये बहुत योग्य है क्योंकि इसने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, जो मैंने बताया वो सब ग्रहण कर लिया है। उसने कहा गुरु जी ऐसी बात नहीं है। कहा फिर क्या? कहा एक प्रश्न मेरे हृदय में बैठा हुआ है जिस दिन आया था पहले दिन की क्लास से, और 12 वर्ष हो गया मैं उसी पर सोच रहा था और मेरे समझ में नहीं आई। कहा बेटा तो पूछ क्यों नहीं लिया? कहा पूछ क्या लेता, सोचता ही रहा कि मैं पूछूं कि ना पूछूं, इसमें सारा समय बीत गया। तो गुरु जी ने पूछा कि क्या वो प्रश्न था भाई जो तेरे समझ में नहीं आया? कहा जब शुरू शुरू में आपने पढ़ाना शुरू किया गीता, तो उसमें एक आपने श्लोक कहा था कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, तो आपने बताया कि सारी उपनिषदें तो गाय हैं और दो गधे हैं और गोपाल नंदन है, तो सर्वोपनिषदो गाओ तो हो गया, ये तो बात समझ में आ गई मेरे। लेकिन आपने कहा दोग्धा गोपाल नंदना, तो गधे दो और गोपाल नंदना आपने एक वचन में प्रयोग किया, तो गधा तो दो हुआ, तो एक तो गोपाल नंदन गधा है, दूसरा गधा कौन है? ये अभी तक मैंने दो गधा गोपाल नंदन। गुरु ने कहा बेटे न तो कोई गोपाल नंदन गधा है न तो कोई दूसरा है, वो दूसरा गधा मैं हूं। इसलिए भाई हम कभी कोशिश नहीं करते कि इसलिए देर नहीं करते, इसलिए मिस्ट्री मिस्ट्री बोली रहने के लिए हम समझते रहेंगे, हमारे सारे शिष्य सब समझ रहे जो हम बोल दिया। अच्छा अब आप लोग आरती कीजिए, फिर बैठिए बात कीजिए कोई नहीं।